नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 16 अगस्त 2023 हो चुका है और मैं हूं नारायण ट्रेडर्स पर, और आज मुकेश भाई से जानेंगे आज का ताज़ा अपडेट, लहसुन में क्या पोजीशन देखने को बन रही है और क्या भाव देखने को मिला है। वहीं बात करेंगे कोटा मंडी की भी, कोटा मंडी में क्या भाव खुला है और कितनी आवक देखने को मिली है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं मुकेश भाई से आज का ताज़ा अपडेट। सब भाइयों का नमस्ते, मैं मुकेश सोतलानी, नारायण ट्रेडर्स जयपुर से। मैं आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल होंगे और सब तैयारी कर रहे होंगे वहाँ चलने की। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें, वहाँ अपना विरोध दर्ज कराएं, वो बहुत अच्छा रहेगा। एकता में ही ताकत है। लहसुन में बाजार वही सामान्य बाजार है, ऊपर में 140 रुपए, नीचे में वही 70-75 रुपए की बाजार खोली है। अच्छा जी सर, आमदनी यही है हमारे, 1,000-1,200 कट्टे की आमदनी है। और सर कोटा मंडी में क्या, कल तो कोटा मंडी छुट्टी थी, नीमच मंदसौर मंडी सब छुट्टी थी, 15 अगस्त की 15 अगस्त पे छुट्टी रहती है। अच्छा जी, आज आमदनी नहीं, वही 3,000-4,000 कट्टे वहाँ पर है कोटा में, और अब बाकी MP के अंदर मंडियाँ फुल हैं, 8,000-10,000 कट्टों की आमदनी है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो सर अभी लहसुन में तेजी है या नहीं है पीछे? मैं बार बार एक ही चीज बोलता रहा हूँ, 25-26 तारीख से ही नजर आएगी और अगले महीने से बिल्कुल खास नजर आएगी। अगले महीने से नजर आएगी सर, 100% आएगी। तो सर जैसे अभी खुराना जी जो ये कर रहे हैं, इसमें अगर अफगानिस्तान का लहसुन बंद हो जाता है तो भाव में कुछ माहौल बन सकता है? 100% बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। आज वो 10-20% डिफेक्ट इफेक्ट कर रहा है, वो आज नहीं करेगा तो ये देसी माल ही बिकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक लहसुन तो बिक ही रहा है ना भैया। तो सर माल भी तो बहुत ज़्यादा आ रहा है सर, दिल्ली में उतर रहा है, हर जगह उतर रहा है सर। तो उतरेगा ना भैया, कंटेनर के कंटेनर आते हैं, कोई ऐसे सोना था कि 10 टन माल आ गया, 20 टन माल आ गया, उसमें कंटेनर के कंटेनर आते हैं, कंटेनर में खूब माल आता है। बिल्कुल, यहाँ पर ये विरोध नजर आने लग गया है, लोगों को लगने लग गया है, फायदा होने लग गया है, अब नहीं उतार रहे। जयपुर के आड़तियों ने भी उतारने से मना कर दिया है, मेरे पास भी फोन आया था तो मैंने भी मना कर दिया। मैंने पहली बार तो एक भी कट्टा बेचा नहीं और ना बेचूंगा। सर आपने तो नहीं बेचा है पर मंडी में भी ऐसे भी हैं, सब्जी मंडी में उतर रहे हैं, बताओ। अब वो जो माल आए हुए वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल, जो अपने हिंदुस्तान में लालची आदमी भी तो बहुत है, जिनको लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो कुछ आएगा तो देखे ही जाएगा, लेके क्या जाएगा सर। तो वही बात है ना, किसानों का भी माल तो आपको कुछ दे रहा है ना कमा के। मैंने आपको यही बोला ना, रोकना पड़ेगा। आप ये सोचो कि हिंदुस्तान में रोक लें, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, इंडिया में माल आएगा तो बिकेगा ही बिकेगा। आज आलू ब्लॉक नहीं बेचेगा, सब्जी ब्लॉक बेचेगा, सब्जी ब्लॉक नहीं बेचेगा, लहसुन ब्लॉक बेचेगा, फ्रूट ब्लॉक बेचेगा, कोई ना कोई तो माल बेचेगा ही। तो ये तो कोई चीज आई है तो बिकेगी, और आएगी नहीं तो बिकेगी कहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये तो गवर्नमेंट अगर रोक लगाए तो ही फर्क पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पहुंचो, अपना विरोध दर्ज कराओ। बिल्कुल, लोगों को लगेगा यूनिटी है, चुनाव का टाइम है, चुनाव में जल्दी सुनवाई भी होगी, अपनी मांगे पूरी भी होंगी सर। पर किसानों के सुनती नहीं है ना सरकार, सर किसानों की और नहीं सुनने वाली बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे, यूनिटी दिखेगी तो हर आदमी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और हमारे किसान भाइयों में एकता ही तो नहीं होती है सर, इसी वजह से तो मार खा जाते हैं हर बार। वो तो लेके आनी पड़ेगी, घर में ही एकता नहीं होती तो दूसरा आदमी हावी हो जाता है, नहीं बिल्कुल, होता बिल्कुल है। सर ऐसी अपन को यूनिटी दिखानी पड़ेगी, यूनिटी नहीं दिखाएंगे अपना स्वार्थ ही रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर कुछ भी नहीं होना है, इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर जैसे अपने पास जो अभी लहसुन है ऊपर में क्या बिका है सर? 140 रुपए बेच रहे हैं, CC मार्क है, डबल बम मार्क है। अच्छा जी, ये 140 रुपए बेच रहे हैं, 140 रुपए के आसपास। ये अपना खुद का ब्रांड है, ये इजीली बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो खुला हुआ है सर, ये क्या बिक रहा है? ये 20-24 किलो की पैकिंग में आया, आज ही आया है। अच्छा जी, अच्छा, किसी किसान भाई ने भेजा है, ये मांग रहा था 125 रुपए, उसने मना कर दिया, बोला 140 रुपए से कम नहीं देना है। 140 रुपए के आसपास क्वालिटी देख सकते हैं, पर्दा पॉलिश क्वालिटी शानदार है। और सर ये जैसे सामने, ये सामने वही डबल बॉम मार्का है, ये किसानी मार्का, ये 120 रुपए बिका है। अच्छा जी, कल भी मैंने आपको बताया था। बिल्कुल बिल्कुल, कड़क माल है वैसे। ये 20 किलो की पैकिंग है। अच्छा जी, किसान कह रहा है कि खींच के बेचो। ये 20 किलो की है, ये 20 किलो की पैकिंग है, इसका 130 रुपए लग गया, धनी ने मना कर दिया, बोला 140-150 से कम नहीं बेचना है। बड़ी साइज का माल है सर, कड़क है, फिनिशिंग नहीं है, माल में सफाई नहीं है। बस बस बस,
तो सर क्या संभावना लग रही है आने वाले समय? तेजी की है, पर रोज रोज अपन एक ही चीज पे बात करेंगे तो कोई विषय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही लगेगा, अपन रोज के रोज ऐसी चीज बोलेंगे से क्या फायदा होना है। तो आप वेट करो, किसान माल को थोड़ा सा रोके या फिर बेचे, क्योंकि सर अभी रोकना चाहिए, जो इतना वेट किया 10 दिन और वेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 10 दिन बाद अपने आप तेजी, अब जैसे प्याज में तेजी की लहर आई है तो सबको तेजी तेजी नजर आ रही है, लोग कह रहे हैं अब 40 रुपए प्याज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ सोचे, इसलिए कोई घबराने टेंशन वाली बात नहीं है, आप मस्त रहें और माल को संभाल के रखें। 10-15 दिन में कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ना है, इतना टाइम निकल गया निकल जाएगा, अगले महीने बुआई वही चालू हो जाएगी, सब कुछ चालू हो जाएगा, तो आपको इफेक्ट भी नजर आने लग जाएगा। क्योंकि सर अभी जैसे मान लो टाइम है अपने पास, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम है तो सर लहसुन को रोकना भी चाहिए थोड़ा, अगर क्वालिटी बढ़िया है तो। सर 5.5 महीने है, तो घबराने और टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं रही। और सर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक कैसा है सर, ज्यादा है या कम है? ठीक है स्टॉक, अब ऐसे तो कैलकुलेशन तो नहीं लग पा रही है, रीजन यही है अभी किसके पास कितना है वो आइडिया नहीं है। अच्छा, पर स्टॉक के माल निकलने लग गए ये पता है, क्योंकि जयपुर मंडी में जो आ रहे हैं काले पीले माल आ रहे हैं, तो काले पीले माल तभी आते हैं जब स्टॉक के माल निकल रहे होते हैं, मरे की शिकायत आ गई है या कालापन आ गया है, तो इसलिए वो निकल रहे हैं, हमें आइडिया है कि माल निकल रहा है। तो अपने पास जैसे कहाँ कहाँ से लहसुन आ रहा है सर? अपने MP से आ रहा है, अभी नीमच मंदसौर पिपलिया से आ रहा है, अपने राजस्थान से आ रहा है, और कहीं से नहीं मंगा रहे। अच्छा जी, तो सर इसमें राजस्थान की जो क्वालिटी है वो बेस्ट आती है या फिर MP वाली? सर दोनों अपनी अपनी जगह है, दोनों बढ़िया क्वालिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है तो दोनों आसपास ही ना। अच्छा, झालावाड़ पाटन जाओगे तो MP बॉर्डर के आसपास ही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बढ़िया है, बस क्वालिटी वाइज का फर्क रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे यूपी का बता रहे हो, यूपी का लहसुन क्या पोजीशन है? यूपी में साइज नहीं बैठी है, माल मीडियम है, आने के लिए तैयार है, पर मीडियम मालों की डिमांड कम है। अच्छा, तो इसलिए मंगा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सेल भी कम है, अभी जो 300-400 कट्टे डेली बिक रहे थे आज वही 60-70-80-100 कट्टे पे सेल आ गई है। बिल्कुल, सावन का बहुत ज्यादा इफेक्ट नजर आ रहा है, कई महीने नहीं था, इस महीने ज्यादा इफेक्ट नजर आ रहा है, और आज 16 तारीख तो हो गई है, बाकी 13-14 दिन ये भी निकल जाएंगे धीरे धीरे, जब 1.5 महीना निकल गया तो ये 14 दिन भी निकलेंगे। यानी जो बाजार है वो थोड़ा सा सितंबर में कुछ संभल सकता है सर? हाँ 100% सुधरेगा, तो उसमें किसानों को कुछ फायदा दे सकता है लहसुन सर? 100% देखकर नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो सर जैसे ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो इसमें किसान भाइयों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए? 100% लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये मुसीबत आपकी नहीं है सबकी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर भाई आज चलो उन्होंने आज उन्होंने सपोज करो लहसुन बोया है, कल आप अनाज बोते हो, सरसों बोते हो और चीज बोते हो, बिल्कुल वो ये कहेंगे जब ये लहसुन में नहीं है तो हम क्यों जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लहसुन वालों को भी बढ़ चढ़ के सपोर्ट दो, फिर वो आपको देंगे। संसार का नियम है गिव और टेक, दोगे तो ही मिलेगा, दोगे तो मिलेगा कहाँ से। जैसे मान लो अभी लहसुन वाले किसान परेशान है, कल दूसरे किसान होंगे, तो इसलिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए सर? करना चाहिए। और सर जैसे खुराना जी ने अच्छी पहल की है सर, बहुत बढ़िया है कि वो तो व्यापारी हैं, आढ़ती हैं, फिर भी उसने ऐसा काम किया है सर। बहुत अच्छी पहल की है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया और उनको उठाना भी चाहिए, क्योंकि उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, मैं भी उनका एक फॉलोवर ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है, वो सबके लिए काम करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत सज्जन पुरुष हैं, और मैं यही कहना चाहूँगा भगवान उनको लंबी उम्र दे, और वो ऐसे काम करते रहें और हमारे को प्रेरणा देते रहें, और हम भी उनके नक्शे कदमों पे चलें और आगे बढ़ें। बिल्कुल सर, चलो जी सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है 9828113633। मैं सब भाइयों से एक ही निवेदन करूंगा, बढ़ चढ़ के सहयोग लो, राणा जी को फुल सपोर्ट करो, उनके सहयोग में ही अपन सबका भला है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, एक दिन की बात है, कैसे निकल जाएगा पता नहीं पड़ेगा, और चलो की बात रह जाएगी तो ये मान लो सब किसान भाइयों की अपनी बात रह गई, हर आरती की हर किसान भाई की बात रह जाएगी। बिल्कुल सर, चलो जी धन्यवाद, जय भारत।